राजस्थान में कहते थे हवेली, हवेली का दूसरा मतलब होता था हवा का आना रहना, क्लोज वेंटिलेशन होता था, उसे कहते थे हवेली। इसलिए इसका नाम बढ़ गया पटवा की हवेली। जो पटवा था उसका नाम था गुमानमल बापना, बापना भाई का जैन, जिनके पांच बेटे थे, पांचों बेटों के लिए पांच हवेलियां बनवाई थी। जो एक हवेली को बनाने में समय लगा था 12 साल, और पांच हवेली को बनाने में समय लगा था 60 या 60 साल। मतलब हवेली बनते बनते एक जनरेशन पूरा कम्प्लीट हो गया था। 18th century में काम शुरू किया गया और 1860 में इसका काम कम्प्लीट किया गया। फर्स्ट नंबर हवेली को 1960 के अंदर जीवनलाल कोठारी नाम करके जोधपुर का नगर सेठ था, जिन्होंने फर्स्ट हवेली को 60,000 में खरीद कर अपना पूरा प्राइवेट म्यूजियम बनाया। ओल्ड टाइम में पटवा फैमिली कैसे रहती थी उनका लाइफ स्टाइल दर्शाया गया है म्यूजियम के अंदर। बाकी चार हवलियाँ हैं, जब 1974 के अंदर इंदिरा गांधी ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था पोखरण के अंदर, तो इंदिरा गांधी खुद यहाँ पे आए थे 1980 के अंदर, 1980 के अंदर जब उसको हवेली के बारे में मालूम पड़ा कि एक हवेली सेलिंग हो गया है, ऐसे करके सारी हवलियाँ सेलिंग हो जाएगी, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा, जिसमें का विकास नहीं हो पाएगा, उसी कारण से इंदिरा गांधी ने सेकंड नंबर और लास्ट फिफ्थ नंबर दो हवलियाँ 1,60,000 में खरीद कर ACI डिपार्टमेंट को इन्वेस्टमेंट कर दिया और इन पांचों हवली को हेरिटेज मोनूमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, ताकि आने वाली जनरेशन इन हवली को सेल न कर सके। थर्ड एंड फोर्थ नंबर हवली, उसके अंदर आज भी उनका पटवा फैमिली का 6th generation by generation लिविंग कर रहा है, आज भी उनका छठा पीढ़ी रह रहा है। यह हवली 4 फ्लोर ऊपर है और 2 फ्लोर जमीन के अंदर बेसमेंट है, टोटल 6 फ्लोर है। पटवा फैमिली का जो मेन बिजनेस था वो था गोल्ड सिल्वर ओपीम अफीम ड्राई फ्रूट और स्पाइस मसालों का। ओल्ड टाइम में ओपीम अफीम था लीगल, बस उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, वो महाराजा को देना पड़ता था, और वो ये लोग टैक्स चोरी करने के लिए बेसमेंट के अंदर छिपा के रखते थे, यानी कि टैक्स चोरी का मामला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मैन इसका बाहर का कोतनी काम देखोगे वो पूरा सैंड स्टोन के ऊपर नक्काशी का काम किया हुआ है, जो राजस्थान जो नाम है लेडीज का ज्वेलरी होता है डिजाइन, उसके अनुसार से पूरा बारीकी काम किया है, जिसमें फर्स्ट हवली एक ही अंदर से देखने का, बाकी 4 हवलियाँ वो बाहर से देखने की। तो अंदर से देखना है तो मैं आपको दिखा के लेके आ सकता हूँ। 100 रुपये एडल्ट का है, छोटे बच्चे 10 साल से नीचे फ्री है, और स्टूडेंट का 70 रुपीज है, कैमरा मोबाइल फ्री। Thanks for watching. Please like and share this video. For more update, please subscribe our channel.